हाय दोस्तों, आपका स्वागत है टिजवाल के एक नए लेक्चर में। आज हम देख रहे हैं ब्रिक का पार्ट टू। ब्रिक जो हमने आपको बताया था, अभी से पीछे बता रहे थे, ब्रिक का लेक्चर वन में हमने क्या देखा था। ब्रिक का लेक्चर वन में हमने देखा था कि ब्रिक क्या है। ठीक, तो एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसको मोल्डिंग के द्वारा हम प्राप्त करते हैं और उसको भट्टी में डाल के, मतलब उसको ड्राइंग करते हैं सूर्य सूर्य की सहायता से, और उसको भट्टी में डाल के जलाते हैं, जिसके बाद हमको रेडिश कलर का एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक प्राप्त होता है जिसको ब्रिक कहते हैं। फिर ब्रिक का हमने स्टैंडर्ड साइज जाना था, ब्रिक का हमने स्टैंडर्ड साइज जाना था वो कितना कितना था। तो ऐसे लेंथ में ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज कितना था, तो 19 सेंटीमीटर या 190 एमएम था, एमएम है। फिर ये हो गया हमारा लेंथ, फिर हो गया ब्रेथ, ब्रेथ में कितना था, तो 90 एमएम था उसका, 9 सेंटीमीटर इसी को बोल रहे थे हम। हाइट या थिकनेस बोल लीजिए, दोनों में ही ये भी 90 एमएम था हमने ये देखा था। फिर ब्रिक के ऊपर जो एक गड्ढा छुटा हुआ रहता है जिसमें कंपनी का जनरली नाम लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं, हमने वो भी देखा था, जिसमें आप मतलब मान के चलिए कोई भी कंपनी है उसका नाम लिखा हुआ है, तो उस वो चीज़ लिखा हुआ रहता था जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, तो फ्रॉग। फ्रॉग कौन सा, टर्टर करने वाला नहीं, मेंढक नहीं, फ्रॉग उसका नाम ही है, टेक्निकल नाम फ्रॉग। फ्रॉग का यूज़ क्या था, तो फ्रॉग का यूज़ जब हम मसाला मतलब एक दीवार में ईंटे के ऊपर जो होता है मोटार अपने डालते हैं, मोटार क्या 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 होता है, तो मोटार डेट मीन्स मोटार डेट इज सीमेंट प्लस वाटर प्लस सैंड, ये तीनों चीज से मिलकर बना हुआ रहता है उसको मोटार कहते हैं। मोटार को डालते हैं हम, फिर वो मोटार अच्छी तरह फील हो जाए उसमें, किसमें, ग्रुप्स में, और उसके जो फ्रॉग था उसमें फील हो जाए, उसके ऊपर जो दूसरा ईटा डाल रहे हैं उन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो अच्छा से बन पाए, इसलिए उसको रखा जाता है। इसलिए ईटा को हम लोग लाइट करते हैं किस तरह से, तो टॉप पे रहना चाहिए हमारा जो फ्रॉक है वो टॉप पे रहना चाहिए। फ्रॉक का स्टैंडर्ड डायमेंशन क्या क्या था, तो फ्रॉक का स्टैंडर्ड डायमेंशन क्या था, तो 10 इंटू 4 इंटू 1 सब सेंटीमीटर में, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये हाइट हो गया हमारा फ्रॉग। इतना हमने देखा था कल। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था कि कंपोजिशन, मतलब जो 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 भी ब्रिक को बनाने में कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन का उपयोग करते हैं, कौन कौन सा पार्ट होता है उसमें, कि क्ले के अलावा क्या क्या चीज़ हम उसमें उपयोग करते हैं, वो सब हमने कल देखा था। ठीक, तो कल क्या क्या देखा था हमने, तो पहला ट्रिक हमने क्या बताया था आपको, सलीम। ठीक, तो सलीम क्या था हमारा, SALIM सलीम हमने देखा था। ठीक, सलीम का एस हमारा किस चीज को इंडिकेट कर रहा था, तो एस हमारा सिलिका को इंडिकेट कर रहा था, ए हमारा एल्यूमिना को इंडिकेट कर रहा था, एल हमारा LIME लाइम को इंडिकेट कर रहा था, आई हमारा क्या था, तो आयरन ऑक्साइड था, एम हमारा क्या था, तो मैग्नीशिया था, एम हमारा मैग्नीशिया था। ये सब चीज थे, तो इनका परसेंटेज भी हमने देखा था। तो आज हम लोगों को यही स्टार्ट करना है, यहीं पे लिखा हुआ क्या, तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्रिक, ब्रिक का केमिकल कंपोजिशन हमको ही देखना है, यहीं से स्टार्ट हमारा करें क्या, ब्रिक का पार्ट टू। ये भी वीडियो आपका होप सो थोड़ा सा लंबा ही जाए, इसमें पार्ट टू में पूरा बता देंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग इसका जो प्रॉपर्टीज है उसको बताने स्टार्ट करेंगे। यहाँ पार्ट टू बताते ही आपका मतलब जो यहाँ पे ब्रेक का पार्ट टू हम अभी खत्म करेंगे, तो उससे ही आपका ब्रेक का पहला टॉपिक जो है कंसिस्टेंस ऑफ ब्रेक अर्थ वो खत्म हो जाएगा। ब्रेक अर्थ, अर्थ मतलब होता है हमारा मिट्टी, अर्थ मतलब क्या होता है, जनरली हम लोग जो मिट्टी बोलते हैं ना वही होता है, मिट्टी से मिलकर बना होता है ब्रेक यानी कि ईटा, तो यही है। तो सलीम का पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सलीम में सिलिका डालते हैं, सिलिका इसको हम किसके फॉर्म में मिलाए थे जल्दी बताइए आप सब, सिलिका को हम लोग SiO2 के फॉर्म में मिला रहे थे, इसका केमिकल कंपोजिशन यही था। इसका कितना से कितना परसेंट, तो 50 से लेके कितना था, अरे बुद्धू 55 नहीं 60 था, 60% था, 50 से लेके 60% था। इसका काम क्या क्या था, ये हमको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा था, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा था, श्रिंकेज श्रिंकेज से हमको बचा रहा था, वर्क से बचा रहा था,
सिंकेज मतलब होता है सिकुड़ना, बर्क मतलब होता है टेढ़ा होना, देख लीजिएगा होना। देखिए दोनों में अंतर बताते हैं। सिंकेज होगा ना तो ब्रेक का जो वॉल्यूम है ना, मान के चलिए ब्रेक का वॉल्यूम पहले इतना था तो वो हल्का सा छोटा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा ऐसे, ठीक। टेढ़ा होने यानी कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल हम कल आपको बता रहे थे ना, इस प्रकार ब्रेक कहलाता है, यही हल्का सा फ्लेक्स कर जाएगा, हल्का सा ऐसे टेढ़ा कर जाएगा, ऐसे हल्का सा फ्लेक्स हो जाएगा, तब इसको बोलेंगे वर्क, सिकुड़ना। तो इन दोनों से प्रिवेंट करता है कौन, इन दोनों से प्रिवेंट करता है हमारा कौन, तो सिलिका इन दोनों से बचाता है, प्रिवेंट यानी कि रोकना या बचाना होता है, उससे बचाता है हमारा, ठीक। अगर जो सिलिका एक्सेसिव क्वांटिटी में हो जाएगा ना तो हमारा जो ब्रेक का जो मतलब कोहेसिवनेस है, सॉरी CHOSIVE, कोहेसिवनेस है जो भी, यानी कि दो दो ब्रेक के दो पार्टिकल के बीच का जो बॉन्ड है वो कमजोर हो जाएगा, यानी कि वीक हो जाएगा, यानी कमजोर हो जाएगा। तो वही वही है सिलिका का फंक्शन क्या है, तो सिलिका का फंक्शन हमारे स्ट्रेंथ देना है, श्रृंखला जो वर्क से बचाना, और भी दो तीन चीज होता है उनसे बचाया जाता है, प्रिवेंट करता है हमारा, फिर कोहेसिवनेस जो इन दोनों के बीच का जो होता है ना, जो सिलिका एक्सेसिव क्वांटिटी में हो जाए, मतलब इसका मात्रा है वो ज्यादा हो जाए, मात्रा ज्यादा हो जाए किसका, सिलिका का, तो जो कोहेसिवनेस होता है ना ब्रेक का वो टूट जाएगा, यानी कि दो उन ब्रेक के दो पार्टिकल के बीच का जो बॉन्ड होगा वो कमजोर हो जाएगा, जिससे ब्रेक मतलब उसके ड्यूरेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, किसके, ब्रेक के ड्यूरेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, ड्यूरेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, ड्यूरेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, तो इसको जनरली स्ट्रेंथ पे भी इफेक्ट पड़ जाएगा, इसलिए इसको मतलब 50 से 60 के बीच में मिलाया जाता है, इसी रेंज में मिलाया जाता है। अगर इससे ज्यादा हो गया तो नुकसानदायक है, और इससे कम हो गया तो उसमें भी नुकसानदायक है, क्यों, क्योंकि देखिए उससे कम होगा तो श्रृंखला जो रोक रहा था, ये वार्पिंग जो रोक रहा था वो मतलब कम होगा, और श्रृंखला जो कम मतलब रोकने का काम कम करेगा, तो हमारा जो ब्रेक होगा बहुत ज्यादा सिकुड़ जाएगा, जिससे हमको जो डायमेंशन चाहिए, जितना हमको डायमेंशन फिक्स किया गया वो डायमेंशन का हमको ब्रेक नहीं मिलेगा, इसलिए जो ब्रेक नहीं मिलेगा तो हम जब वॉल बनाएंगे तो वहां पे एक्स्ट्रा ब्रेक यूज होगा, यही हमारा इससे मतलब कि नुकसान होता है, वार्पिंग यानी कि टेढ़ा होने का काम वहां पे ज्यादा हो जाएगा। सिलिका का ये था फंक्शन। अब हम लोग जानते हैं किसका, तो मैग्नीशिया का मतलब सालिम SA, एल्युमिना का जानते हैं, एल्युमिना का देखिए, एल्युमिना का जनरली क्या होता है, तो एल्युमिना का हम लोगों ने कितना कितना तो 20 से 30% पिलाया था, और उसका फंक्शन क्या होता है कि वो हमें हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और प्लास्टिक स्टेज में प्रोवाइड मतलब जो ब्रेक होता है उसको प्लास्टिसिटी, जो ब्रेक का ब्रेक के लिए जो हम क्ले बनाए थे उसको प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, यानी प्लास्टिसिटी जो हम बताया था आपको कि किसी भी मटेरियल का वैसा प्रॉपर्टी जिस समय हम उसको किसी भी साइज और शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी का हम उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं, ठीक। और वो जिस समय होगा तो उसको प्लास्टिक स्टेज कहते हैं, मतलब जिस समय हम उसको किसी भी साइज और शेप में मोड़ सकते हैं उस स्टेज को प्लास्टिक स्टेज कहते हैं, प्लास्टिक स्टेज। तो वही है, क्या है, एलुमिना। इसका फॉर्मूला क्या था आप सब पता है, जल्दी जल्दी फॉर्मूला, Al2O3 एलुमिना, इसका परसेंटेज कितना था, तो 20 से 30% बुर्वक, 30%, ठीक। इसका मेन फंक्शन क्या क्या हो गया था, तो ये हमको क्या था, तो ये भी हमको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा था कुछ कुछ हद तक, ये भी हमको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा था, ठीक। ये अब जो क्ले है, क्ले होता है हमारा जिसे मतलब ब्रेक बनाया जाता है, उसको प्लास्टिक स्टेज प्रोवाइड करता है, यानी प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, जिसके कारण हम मोल्डिंग मोल्डिंग जो होता है हम आसानी से कर पाते हैं। मोल्डिंग यानी कि आप सब जानते ही होंगे, जो हम कल आपको बता रहे थे कि मोल्डिंग यानी कि जैसे कि ब्रिक ढालने के लिए एक ऐसा साचा लिया जाता है, ठीक। इस साचे के साचे से हम ब्रिक इसमें मिट्टी में तो फिल करते हैं, फिर उसको दबाते हैं और यहाँ ब्रिक उलट देते हैं, तो यही जो प्रोसेस होता है ना ब्रिक ढालने की प्रक्रिया को ही मोल्डिंग कहते हैं। तो मोल्डिंग कब होगा, जब ब्रिक मतलब अच्छा से उसमें ढल जाए, किसी भी साइज और शेप में ढल जाए तब ना, और किसी भी साइज और शेप में ढलने की जो स्टेज होता है उसको क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी कब आएगा, जब हम उसमें एलुमिना मिलाएंगे,
क्या मिलाएंगे, एलुमिना मिलाएंगे। तो देखिए, अगर एलुमिना का जो एक्सिस क्वांटिटी मिला रहेगा तो उसका प्लास्टिसिटी बहुत ज्यादा देर तक रहेगा, बहुत ज्यादा देर तक रहेगा, जिसके कारण जो उसमें होगा इंप्योरिटीज बनने के चांसेस रहेंगे, जिससे उसका स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगा, ड्यूरेबिलिटी पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, मॉल्डिंग अच्छा से नहीं हो पाएगा, ठीक, क्योंकि बहुत ज्यादा प्लास्टिसिटी रहेगा तो मॉल्डिंग क्या पता वो पिघल, इधर पिघल जाए, बनाए और रखें फिर टेढ़ा हो जाए, तो भाई इसका प्लास्टिसिटी मतलब ज्यादा नहीं रहना चाहिए। अब कम रहा तो वो इस मतलब मोल्ड में अच्छा से फिट होगा ही नहीं, मोल्ड में जाने के बाद भी वो अच्छा से वो वर्क नहीं कर पाएगा, वो अपने साइज और शेप को अच्छा से ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो एल्युमिना का फंक्शन यही था कि वो हमारे जनरली प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, हमारे जो जो भी हमारा क्ले है उसको प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। कब प्रोवाइड करता है, जो हम पग मिल में डाल के, पग मिल अगर आपको पढ़ना होगा कि जो हम क्ले को तैयार करते हैं ना उसी समय एल्युमिना डालते हैं ताकि प्लास्टिसिटी हमारा प्रदान हो जाए। ठीक, सिलिका था, एल्युमिना हो गया SAL, एल से हमारा आ गया लाइम, इसको हम इस फॉर्म में मिला रहे थे तो CaO के फॉर्म में, कैल्शियम ऑक्साइड के फॉर्म में, ये कितना था तो वहां पे देखिए आपको 1% लिखाया था, लेकिन सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे ये 1 to 5% था, 1 to 5% सुधार लीजिएगा, ठीक, 1 to 5% इसको मिलाते हैं। इसका जनरली काम क्या होता है तो ये बाइंड करके रखता है, जो भी होता है मतलब ये कोहेसिवनेस को बढ़ाता है, कोहेसिवनेस जो दोनों पार्टिकल के बीच का जो कोहेसिवनेस होता है ना उसको ये बढ़ाने का काम करता है। क्योंकि देखिए हम लोग जानते हैं ईट में क्या मिला रहता है तो सिलिका, और सिलिका का प्रॉपर्टी क्या होता है कि वो ओवरहीट होने पे वो लिक्विड स्टेज में आ जाता है, लिक्विड स्टेज में आ जाता है, तो लिक्विड स्टेज में आ जाएगा यानी कि तरल हो जाएगा। तो सिलिका देख रहे थे कितना था, 50 to 60% था, ठीक, 50 to 60%, तो इतना सिलिका ये जब ओवरहीट होके लिक्विड स्टेज में आ जाएगा तो ईटा हमारा जो स्ट्रक्चर रहेगा वो ईटा का जो स्ट्रक्चर होगा ऐसे स्ट्रेट ना होने की वजह से टेढ़ा हो सकता है, ठीक, या तो ये पूरा तरह खराब हो सकता है हमारा ईटा भट्टी में जाने के बाद। तो इसलिए हम उसमें क्या डालते हैं, लाइन डालते हैं, जो हमारे जो मतलब जो भी पार्टिकल होता है उसको बाइंड करके रहता है और लिक्विड स्टेज में आने से बचाता है, किसको, तो सिलिका को बचाता है, और ये हमको बचाता है, जिससे हम कह सकते हैं कि जो जो भी मेन कंपोनेंट के रूप में ये लाइन जो होता है बहुत अच्छा फंक्शन करता है। क्यों, क्योंकि ये हमारे जो स्ट्रक्चर होता है यानी कि जो भी स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं ब्रिक का उसको बनाए रखता है, उसको बाइंड अप करके रखता है, पकड़ के रखता है उसके कणों को। सलीम, एल आई, आई से अब हमारा क्या आ जाता है तो आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, देखिए आयरन ऑक्साइड कुछ नहीं है, आयरन ऑक्साइड किसके रूप में तो Fe2O3 के रूप में हम प्रयोग करते हैं आयरन ऑक्साइड का। ये जनरली कितना था तो 5 to 8% ये डाला जाता है, लगभग लगभग 5 से 8% डाला जाता है आपका, ठीक। ये देखिए डाटा वेरी कर सकता है, कहीं पे बुक में कुछ और दिया जा सकता है लेकिन स्टैंडर्ड बुक और जो IS कोड कहता है लगभग इतना ही कहता है, तो अलग अलग बुक के अनुसार या अलग अलग डाटा वेरी कर सकता है। अच्छा पढ़िएगा बुक में तो अलग अलग बुक में ऐसे ही मिलेगा आपको, कोई और मास्टर कुछ भी लिखा सकता है, मतलब कुछ और लिखा सकता है, कुछ और लिखा सकता है, हम यही पढ़े हैं तो हम आपको यही बता रहे हैं, ठीक। आयरन ऑक्साइड, देखिए आयरन है, लोहा है, तो ये पहला काम क्या होगा इसका, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है हमारा, हार्डनेस देगा ये, हार्डनेस। आप सब सोच रहे हैं हार्डनेस होता क्या, हार्डनेस देखिए वो प्रॉपर्टी होता है जब हम ब्रिक को ऐसे खुरेचे ना तो उसमें निशान नहीं पड़े तो वो हार्डनेस होगा, और टफनेस क्या होगा तो जब हम सडन लोड लगाते हैं, यानी कि जो हम आपको बता रहे थे एक एक ऐसे छोड़ेंगे तो ये जो इम्पैक्ट पड़ेगा ना, मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा एक एक ही, उसको अगर रेजिस्ट कर जाता है तो वो टफनेस कहलाता है। हार्डनेस क्या होगा, ये ब्रेक का सरफेस अगर हम ऐसे खुरेच रहे तो उस पर निशान नहीं पड़ना चाहिए तो वो हार्डनेस कहलाता है हमारा। तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है कौन, आयरन ऑक्साइड, और फिर कलर भी प्रोवाइड करता है, कलर प्रोवाइड करता कौन सा तो रेड कलर, रेड कलर प्रोवाइड करता है कौन तो आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और भी काम करता है, ये वार्प होने से भी बचाता है, ठीक, वार्प होने से बचाता है, ये ड्यूरेबिलिटी इसके ऊपर भी मतलब जनरली वार्प होने से बचा रहे तो ड्यूरेबिलिटी हमारा बचा रहे ना, श्रिंक होने से बचाता है आयरन ऑक्साइड का, और भी इतना ही फंक्शन है, और दो तीन फंक्शन है तो आपको लिखाने वक्त अच्छा से बताएंगे। अगर ये एक्सेसिव क्वांटिटी में हो जाता है, अगर मतलब आयरन ऑक्साइड का मात्रा अगर जो ज़्यादा हो जाता है तो वो देखिए हार्ड ज़्यादा हो जाएगा, हार्ड ज़्यादा होगा तो ट्विस्ट होने का चांस रहेगा, मतलब टूटने का मतलब टेढ़ा होने का चांस रहेगा, कलर वो बहुत ज़्यादा रेडिश हो जाएगा, रेडिश ज़्यादा कलर मतलब कलर ज़्यादा होने पर अगर भट्टी में जाएगा तो वहाँ ज़्यादा जल जाएगा, ज़्यादा जल जाता है अगर
तो ब्लैक कलर में आ जाएगा, रेडिस कलर में नहीं आ पाएगा, वो ब्लैक कलर में आ जाएगा, तो वो ओवर बर्न बर्न ब्रिक में चला जाएगा, मतलब वो डिफेक्टिव ब्रिक में ही चला जाएगा। अब आखिरी हमारा क्या था, तो आखिरी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो मैग्नीशिया पढ़ा था। अगर जो मैग्नीशिया ओवर मतलब एक्सेसिव क्वांटिटी में डालते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप सब बता सकते हैं। देखिए आखिरी का क्या था हमारा, मैग्नीशिया था। मैग्नीशिया देखो इसका जनरली कुछ नहीं, ये भी मतलब 5 to 8% या 3 to 5% था इसका क्या था, तो MgO के रूप में इसको उपयोग करते हैं। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मतलब ब्रिक का जितना कंपोनेंट है लगभग लगभग आपको स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड करेगा। और ये येलो कलर प्रोवाइड करता है, येलो कलर प्रोवाइड करता है, येलो इस कलर हल्का सा प्रोवाइड करता है, जिसके कारण मतलब ब्रिक में रेड और येलो मिलकर हल्का सा ऑरेंज कलर आ जाता है। जो ऑरेंज कलर का ब्रिक होगा ना वो फर्स्ट क्लास ब्रिक होगा, यही मतलब येलो कलर प्रोवाइड करता है, बस यही इसका इतना ही काम है। हमने देखिए आपको सब कुछ सबके बारे में मतलब थोड़ा थोड़ा सब कुछ बता दिया, आपको होप से समझ में आ ही गया होगा लगभग लगभग। बस उसको अब लिखवा देते हैं और एक बार पढ़ के मतलब बता देंगे कि उसको कहना क्या चाह रहा है और क्या होता है उसका कंपोजिशन। ठीक, तो आप मतलब क्या नोट कीजिएगा, कुछ नहीं नोट कीजिए, हम आते हैं लेके तब आप नोट कीजिएगा। ठीक, चलिए दोस्तों, जैसे कि अभी हमने आपको ट्रिक जो भी बताया था वो ट्रिक हमने आपको लिखवा दिया। उसका पहला टॉपिक हम जो बोले थे सिलिका लेके आएंगे, उस सिलिका लेके आए हैं। यहाँ पे अभी हमने 2 ही पॉइंट लिखा है इसके पास अभी, मतलब सिलिका में अभी 3 से 4 पॉइंट और बाकी है, तो वो यहाँ मिटाएंगे, उसके बाद जब जाएंगे लेके आएंगे दोबारा तब उसमें देखेंगे। ठीक, और साथ ही साथ जो नया टॉपिक आएगा एलुमिना आएगा उसका भी देख लेंगे। तब तक आप इसको देखिए, नोट डाउन कीजिए। इसमें देखिए हमने आपको जानकारी देने की कोशिश की है, सलीम से क्या हो गया, तो सिलिका हो गया हमारा। सिलिका SiO2 के रूप में रहता है, SiO2 के रूप में रहता है 50 to 60%। ए से एलुमिना, एलुमिना Al2O3 के रूप में रहता है 20 से 30%। एल से लाइम CaO5% से 10%। आई से आयरन ऑक्साइड जो Fe2O3 के रूप में रहता है 5 to 8%। मैग्नीशिया Mg1 से 5%, देखिए मैग्नीशियम कर लीजिएगा सॉरी 1 to 5%, और लाइम में 5 to 10%। वहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया था, हमको इसकी जगह इसका ध्यान आ गया था। ठीक, अब हमारा पहला टॉपिक क्या, तो सिलिका। सिलिका SiO2 के रूप में प्रेजेंट रहता है ब्रिक अर्थ, यानी कि जो मिट्टी रहता है, मिट्टी है जो ब्रिक का, उसमें शुड कंटेन मतलब वो कंटेन करना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए कितना, तो 50 to 60% ऑफ सिलिका, उसके पास 50 से 60% सिलिका होता है। और दैट मीन्स हम इसको क्या भी कह सकते, ये भी कह सकते हैं कि ये मेन कंपोनेंट होता है, मतलब मेन कंपोजिशन होता है ब्रिक का। दैट मीन्स इट इज द मेन, दैट इज इट इज मेन कंपोजिशन ऑफ ब्रिक क्ले। जो भी हमारे ब्रिक के लिए जो क्ले है उसका मेन कंपोजिशन है, ये लाइन यहीं पे लिख लीजिएगा। इट रिस्पॉन्सिबल मतलब ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फॉर प्रिवेंटिंग, प्रिवेंटिंग मतलब होता है रोकना, रोकना या रोकने के लिए। क्रैकिंग, क्रैकिंग मतलब वही दरार आना, ऐसे ऐसे जो दरार आ जाता है वो। श्रिंकिंग, श्रिंकिंग हमने आपको बताया ही अभी क्या, तो सिकुड़ना। सिकुड़ जाता है, सिकुड़ना कैसा होता है, तो परमानेंट होता है, टेम्पररी नहीं होता है। एंड वर्पिंग, वर्पिंग यानी कि टेढ़ा होना, टेढ़ा होना वैसे ऐसा हो जाएगा कुछ। ऑफ रॉ ब्रिक, रॉ ब्रिक यानी कि जो हम पकाने के लिए डाल चुके हैं वो ब्रिक को, वो सब ब्रिक होता है वो, मतलब उन सब ब्रिक में ये सब चीज़ों को रोकने का काम कौन करता है, तो हमारा सिलिका करता है। सिलिका इसलिए हम बोलते हैं कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम भी हमको सिलिका करता है, ड्यूरेबिलिटी पे इफेक्ट डालता है सिलिका। ठीक, आप इसको नोट डाउन कीजिए। सिलिका में इतना है, तो सिलिका क्या था, तो जो भी अर्थ अर्थ ब्रिक होगा उसमें सिलिका कितना 50 से 60% रहना चाहिए, यानी कि मेन कंपोजिशन होता है ब्रिक का। ठीक, और सिलिका किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो प्रिवेंटिंग क्रैकिंग, श्रिंकिंग एंड वार्पिंग ऑफ रॉब्रिक। रॉब्रिक में ये इन सब चीज़ों को रोकने का काम कौन करता है, तो सिलिका ही करता है। सिलिका का आगे 2-3 पॉइंट और है, वो हम आपको लिखाते हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं सिलिका का। जैसे हमने यहाँ पे बताया था सिलिका जो मतलब उसका क्रैक्टेरियस बता रहे थे, जो भी कंपोजिशन था कि 50 से 60% मौजूद होता है। ठीक, और वो हमारा क्रैकिंग, वार्पिंग इन सब चीज़ से प्रिवेंट करता है ब्रिक का। तो उससे आगे आप देख लेते हैं, इतना ही पार्ट सिलिका में, उसका एलुमिना देखेंगे। देखिए इसका सिलिका में देखते हैं क्या क्या है। तो सिलिका इम्पार्ट द स्ट्रेंथ टू द ब्रिक, इम्पार्ट मतलब डालना होता है। रुकिए, दिख रहा है कि नहीं, लाइट की वजह से शायद नहीं दिखता वहां। हाँ दिख रहा है, इम्पार्ट मतलब डालना होता है, डालना।
मतलब जो स्ट्रेंथ डालने का काम कौन करता है ब्रिक में, तो सिलिका करता है। तो सिलिका इज प्रेजेंट इन बोथ फ्री एंड कंबाइंड स्टेट। मतलब ये सिलिका जो होता है हमारे ब्रिक, जो ब्रिक का जो क्ले होता है उसमें फ्री और कंबाइंड स्टेट दोनों में पाया जाता है, एज फ्री सैंड, सैंड सैंड या सिलिका। देखिए जो बालू होता है ना वो सिलिका ही होता है, जो हमने आपको पहले भी बताया था वही। फ्री सैंड इट रिमेन्स मैकेनिकली मिक्सड विथ क्ले, मतलब इसको हम मैकेनिकली रूप से क्ले के साथ, मतलब क्ले के साथ जो हमारा मिट्टी है उसके साथ बाहर से मिलाते हैं किसको, फ्री सैंड को। और जो बट कंबाइंड, मतलब पहले से क्ले में जो कंबाइंड सिलिका रहता है फॉर्म अप, वो फॉर्म किसका करता है, तो फॉर्म सिलिका रिएक्ट विथ एलुमिना, एलुमिना के साथ रिएक्ट करके वो किसका फॉर्म करता है, एल्यूमिनो सिलिकेट। एल्यूमिनियम सिलिकेट एक मतलब कि ऑर्गेनिक मटेरियल है, उसका इनऑर्गेनिक मतलब वही रासायनिक मटेरियल है, सॉरी रासायनिक कंपाउंड है उसका, ये फॉर्म करता है कौन कौन, तो सिलिका। जो कंबाइंड स्टेट में सिलिका रहता है वो ब्रेक में किस रूप में प्रेजेंट रहता है, तो एल्यूमिनो सिलिकेट के रूप में प्रेजेंट रहता है। और फ्री जो सैंड या सिलिका होता है उसको हम बाहर से मैकेनिकली रूप से मिक्स करते हैं क्ले में कौन कौन से, तो फ्री और कंबाइंड दोनों स्टेट में पाया जाता है। और इम्पार्ट करता है किसका, तो स्ट्रेंथ का इम्पार्ट करता है सिलिका ब्रेक के अंदर। इफ इट इज प्रेजेंट इन एक्सिस, देखिए एक्सिस मतलब ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है, देन स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक, स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक, ब्रिक का जो स्ट्रेंथ होता है वो इंक्रीज होता है, बढ़ तो जाता है, लेकिन बट इट इज डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मतलब कि नुकसान करता है या तबाह कर देता है, नाश कर देता है। कोहेशन, कोहेशन यानी कि वही जो हम आपको बताए थे दो पार्टिकलों के बीच का बॉन्ड जो होता है उसको उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, बिटवीन द ब्रिक क्ले पार्टिकल। देखिए दो पार्टिकल ब्रिक क्ले, क्ले का जो पार्टिकल होता है उनके बीच का जो कोहिजन होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है। एंड मेक ब्रिक ब्रिटल, ब्रिटल यानी कि भंगुर होता है, यानी कि जिसको हथौड़े से मारने पर वो ऐसे अलग अलग टूट जाए, यानी कि ब्रिक का जो हथौड़ा से ऐसे ठोकेंगे तो ऐसा टूट जाए। देखिए ठोकते हैं तो टूटता नहीं है जल्दी, तो वही मतलब एक बार मारने से टूट जाए, कोयले की तरह हो जाए, तुरंत टूट जाए। एंड वीक, कमजोर हो जाए। देन मतलब द ड्यूरेबिलिटी ऑफ ब्रिक, ब्रिक का जो ड्यूरेबिलिटी होता है लार्जली डिपेंड अपॉन किसके ऊपर, मतलब बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना, एल्यूमिना के प्रॉपर प्रोपोर्शन पे डिपेंड करता है, सिलिका और एल्यूमिना के प्रॉपर प्रोपोर्शन पे डिपेंड करता है, यानी कि उनका जो अनुपात होता है मिक्स करने का उसके ऊपर डिपेंड करता है। इफ सिलिका इज प्रेजेंट इन डिफिशियंट, डिफिशियंट मतलब कमी होता है, यानी कम, डिफिशियंट मतलब कम या कमी, कम क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा, देन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ जो भी होगा ब्रिक का वो डिक्रीज हो जाएगा। एंड प्रिवेंशन, प्रिवेंटेशन जो भी हम उसका क्रैक वार्पिंग एंड सिंकिंग से जो भी रोक रहा था, जो प्रॉपर्टी होता है उसका वो लूज हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। इसलिए जो सिलिका होता है उसको कितना, तो 50 से 60% के बीच में ही डाला जाता है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, इसमें क्ले में। तो सिलिका में देखिए क्या था, तो 50 से 60% क्ले ब्रिक में मिलाया जाता, मतलब अर्थ ब्रिक में मिलाया जाता है, और साथ ही जो वो क्या कहता है, तो प्रिवेंट करता है कैसे कैसे, तो क्रैकिंग से, वार्पिंग से और सिंकिंग से, रो ब्रिक जो होता था उसमें ये प्रिवेंट करने का काम करता था। और स्ट्रेंथ इंपार्ट करता है किसमें, ब्रिक में, ठीक। और सिलिका जो, सिलिका दोनों अवस्था में पाया जाता है, किसमें, फ्री में और कंबाइंड में दोनों में। फ्री सिलिका रहता है उसको मैकेनिकली रूप से बाहर से मिलाया जाता है, ठीक, और कंबाइंड सिलिका रहता है वो, सिलिका रहता है वो एल्यूमिना के साथ रिएक्ट करके क्या, तो एल्यूमिनो सिलिकेट बना लेता है, सिलिकेट बनाता है। और जो सिलिका प्रेजेंट रहता है और एक्सेसिव क्वांटिटी में ब्रेक में प्रेजेंट रहा, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहा, तो ब्रेक का जो स्ट्रेंथ है वो तो बढ़ जाएगा, लेकिन जो उसके बीच का जो बॉन्ड है ना, उन ब्रेक के पार्टिकलों के बीच का जो बॉन्ड है उसका नुकसान कर देगा, ये डिस्ट्रॉय कोहेजन बिटवीन बिटवीन द ब्रेक क्ले पार्टिकल एंड मेक ब्रिक ब्रिटल एंड ब्रिक, यानी कि भंगुर, यानी वही भंगुर आपने पढ़ा ही होगा कि हथौड़े से मारने से वो चूर चूर हो जाता है, ठीक, तो वो हो जाएगा, ब्रिटल बना देगा ब्रिक, यानी कि कमजोर बना देगा वो, जितना हमको स्ट्रेंथ चाहिए उतना स्ट्रेंथ वो नहीं दे पाएगा, तो ब्रिक बर्बाद हो जाएगा वो हमारा। द ड्यूरेबिलिटी ऑफ ब्रिक इज लार्जली डिपेंड अपॉन द प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना, इन दोनों के प्रॉपर प्रोपोर्शन पे डिपेंड करता है ये, ठीक। तो इफ सिलिका इज प्रेजेंट इन डिफिशियंट, मतलब कम क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा तब भी दिक्कत हमको क्या, तो उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, और जो प्रिवेंटेशन प्रॉपर्टी था क्रैकिंग वार्पिंग और सिंकेज से वो भी उसका वो खत्म हो जाएगा। तो यही हमारा सिलिका था। तो सिलिका जनरली क्या क्या काम करता है, तो आपको स्ट्रेंथ देने का काम करता है, आपको प्रिवेंट करता है किस किस चीज़ों से, तो सिंकेज से, वार्पिंग से, और सिंकेज से, वार्पिंग से और क्रैकिंग से प्रिवेंट करता है, ठीक। और उसके बाद उस कितना, तो 50 से 60% प्रेजेंट रहता है, जो एक्सेसिव क्वांटिटी में रहा तो वो स्ट्रेंथ को आपको बढ़ाएगा, लेकिन उसके जो पार्टिकल का, जो पार्टिकल के बीच का जो बॉन्ड है उसको हटा देगा, कोहेजन को हटा देगा, और ये डिपेंड करता है किस पे, तो प्रॉपर प्रोपोर्शन पे डिपेंड करता है सिलिका और एल्यूमिना के,
ये फ्री और कंबाइंड स्ट्रेंथ दोनों में पाया जाता है। और फिर सिल्का का जो कम डालेंगे तो उसका स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगा और प्रिवेंट प्रॉपर्टी भी कम हो जाएगा, इसलिए बराबर मात्रा में डालना चाहिए, 50 और 60 के बीच में ही डालना चाहिए इसको। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड मोस्ट मस्ट मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला सेकेंड कंपोजिशन कौन कौन, तो एलुमिना का देखते हैं, Al2O3 को देखते हैं कितना 20 से 30% यूज़ किया जाता है। तब तक आप इसको नोट कीजिए, हम उसको लेके आते हैं। चलिए दोस्तों, अब सेकेंड कंपोजिशन जो एलुमिना था उसको देख लेते हैं। एलुमिना के जनरली हम जो यूज़ करते हैं वो किस रूप में यूज़ करते हैं, Al2O3 के रूप में यूज़ करते हैं। चलिए देख लेते हैं आगे। एलुमिना क्या है, तो एलुमिना गुड ब्रिक अर्थ शुड भी, मतलब जो अच्छा रहेगा, अच्छा ब्रिक का जो मिट्टी रहेगा उसमें एलुमिना कितना, तो 20 से 30% प्रेजेंट रहता है। गुड ब्रिक अर्थ शुड भी कंटेंट, कंटेंट यानी कि अपने पास रखता है, एंड इट इज़ ऑल्सो ए मेन कंपोजिशन ऑफ ब्रिक, और ये भी एक मेन कंपोजिशन ऑफ ब्रिक है। किसकी तरह, तो सिलिका की तरह। इट इज रिस्पॉन्सिबल, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, तो प्लास्टिसिटी क्रिएटरियर्स ऑफ अर्थ, यानी कि जो भी अर्थ ऑफ ब्रिक यानी ब्रिक का जो भी मिट्टी रहता है उसमें प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी हमने आपको क्या समझाया था, तो प्लास्टिसिटी एक ऐसा करेक्टेरियस रहता है किसी मटेरियल का, प्लास्टिसिटी एक ऐसा करेक्टेरियस रहता है किसी मटेरियल का जिसके कारण हम किसी भी मटेरियल को किसी भी मटेरियल को किसी भी साइज और शेप में मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि देखिए, क्ले को ही हम प्लास्टिसिटी, जब क्ले प्लास्टिसिटी स्टेज में रहेगा तब हम उसको किसी भी साइज और शेप में मोड़ सकते हैं, तो वही कहलाता है प्लास्टिसिटी क्रैक्टेरियस। किसके कारण, तो एलमोना के कारण आता है, विच इज इम्पोर्टेंट। देखिए किसके लिए इम्पोर्टेंट है, विच इज इम्पोर्टेंट इन मोल्डिंग ऑपरेशन ऑफ ब्रिक। मोल्डिंग यानी कि वही ब्रिक को सांचे में मतलब क्ले को सांचे में डालकर ब्रिक के रूप में कन्वर्ट करना, वही मोल्डिंग ऑपरेशन कहलाता है। उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कौन, तो प्लास्टिक एसिड। एलमोना एक्ट ए सीमेंटिंग यानी कि जोड़ने वाला मटेरियल ऑफ रॉ ब्रिक। एलमोना हम मिलाते हैं ना क्ले में, तो उसका पार्टिकल के बीच का जो कोहेसिवनेस रहता है ना उसको वो बढ़ा देता है, ऐसा मतलब बहुत ज्यादा छोटे 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 पार्टिकल हो तो उसको बढ़ा देता है दोनों के बीच के कोहेसिवनेस को, यानी कि सीमेंटिंग जोड़ने वाले पदार्थ के रूप में ये काम करता है, ठीक। एंड एक्सेस अमाउंट, एक्सेस मतलब ज्यादा हो जाना, एक्सेस अमाउंट ऑफ एलमोना प्रेजेंट इन क्ले, क्ले के अंदर जो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट रहा एलमोना तो मे काउस कारण बनता किसका, तो श्रिंक वार्प एंड क्रैक ऑन ड्यूरिंग ड्राइंग। ड्राइंग यानी कि जब हम मिट्टी को अपने साथ मोल्ड में ढाल के ऐसे सूखने के लिए रख दिए, ठीक, तो धूप के जो रोशनी से सूखेगा ना, यहाँ पे बहुत सारे ब्रिक हैं, तो वो उस दौरान श्रिंकिंग वार्पिंग और क्रैकिंग आने की संभावना रहता है। और जो एलमोना एक्सेसिव एक्सेस मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रहा, और ऑल्सो एक्ट एज ए फ्लक्स, फ्लक्स यानी कि देखें आपने आयरन को निकालने का जो मेथड पढ़ा होगा उसमें भी फ्लक्स आपने पढ़ा ही होगा। फ्लक्स क्या होता है, तो फ्लक्स किसी भी रासायनिक का भी मतलब धातु का जो निष्कर्षण रहता है उसमें डालते हैं, या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में डालते हैं, तो या तो उस रासायनिक अभिक्रिया को तेज कर देगा या तो उस रासायनिक अभिक्रिया को स्लो कर देगा, लेकिन यहाँ पे स्लो कर देता है। तो क्या है, फ्लक्स एंड ड्यूरिंग बर्निंग, बर्निंग के दौरान ये फ्लक्स के रूप में काम करता है, जब ईटे को जलाया जाता है उस दौरान इट रिड्यूस द टेम्परेचर, और जो ज्यादा मात्रा में रहेगा तो रिड्यूस कर देता है टेम्परेचर ऑफ क्लिंकर, क्लिंकर यानी कि भट्टी जो बोलते हैं ना उसके टेम्परेचर को रिड्यूस कर देता है, और उसके कारण जो ब्रिक रहता है वो बिखर आता है, मतलब कमजोर कमजोर बन जाता है, क्योंकि देखिए मिट्टी के रूप में ही रहेगा, मिट्टी में देखिए कितना भी सूखा हुआ क्यों ना रहे उसमें पानी में डालते तो मतलब टूट ही जाता है, जो अच्छा से जलेगा नहीं, अच्छा से पकेगा नहीं, उसका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा तो जलने में टाइम लगेगा पहले, तो फिर अच्छा से पकेगा नहीं, तो यहाँ पे अगर जो पानी डालते हैं तो ये मेल्ट हो जाएगा, मतलब घुल जाएगा, इसलिए इसको एक्सेसिव क्वांटिटी में नहीं डाला जाता है, और ये इसके ड्यूरेबिलिटी पे भी इफेक्ट करता है। इफ इट इज प्रेजेंट इन डिफिशियंट क्वांटिटी, मतलब कम कम मात्रा में ये प्रेजेंट रहा, देन द ब्रिक इज नॉट गेन प्रॉपर स्ट्रेंथ, तब ये प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं प्राप्त कर पाता है, जो होता है ये ब्रिक होता है वो प्रॉपर स्ट्रेंथ प्राप्त नहीं कर पाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहीं पे ये लाइन क्लियर हो जा रहा है, क्रिएटिव अर्थ इज इंपॉर्टेंट, जो होता है ये प्लास्टिसिटी क्रिएटिव इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि मोल्डिंग ऑपरेशन अच्छा से हो जाएगा, मोल्डिंग ऑपरेशन अगर जो अच्छा से नहीं हो पाएगा यानी कि उसमें एलुमिना की कमी है, एलुमिना की कमी है तो वो अच्छा से सूख नहीं पाएगा, सूखेगा तो ये सब चीज़ इसमें आने की मतलब संभावना नहीं रहेगा, लेकिन वो बर्निंग के दौरान उसका अभिक्रिया तेज कर देगा, फ्लक्स के रूप में काम करता है ना, जो कम रहेगा तो अभिक्रिया तेज कर देगा, अभिक्रिया तेज कर देगा तो वही ज़्यादा जल जाएगा ब्रिक या ओवर हीट हो जाएगा, तो वही है इसको कम क्वांटिटी में भी नहीं डाल सकते हैं। और एक लाइन और लिख लीजिए, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्यूरेबिलिटी ऑफ ब्रिक।
क्योंकि देखिए एक्सिस कॉन्टैक्ट रहेगा तो इसका रेडियस हो जाता है, तो उसमें जल मतलब आधा जलेगा आधा नहीं जलेगा, तो उसके कारण अगर पानी पड़ा तो पिघल जाएगा। कम क्वांटिटी पड़ेगा तो इसका स्ट्रेंथ ही कम हो जाएगा, मतलब ज़्यादा पोर बन जाएगा, किसी भी उसमें पानी ज़्यादा एंट्री कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, तो उसके कारण इसका ड्यूरेबिलिटी भी इफेक्ट होगा। तो यही हमारा एलमिना था। एलमिना में हमने क्या क्या देखा, तो एलमिना में किसी भी अच्छे ब्रिक में एलमिना का परसेंटेज कितना, तो 20 से 30% रहता है। किस रूप में रहता है, तो Al2O3 के रूप में रहता है। ठीक, तो एलमिना का देखिए सिलिका जब हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे प्रोपोर्शन बोला था ना, प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका एंड एलमिना रहना चाहिए, तभी ब्रिक का ड्यूरेबिलिटी मतलब अच्छा रहता है। तो वही हो रहा है। तो ब्रिक का करेक्टेरियस क्या, तो इसमें प्लास्टिसिटी करेक्टेरियस, जो ब्रिक अर्थ होता है उसमें प्लास्टिसिटी करेक्टेरियस डालता है, जो मोल्डिंग प्रोसेस में हमें हेल्प करता है। अगर जो एक्सेसिव क्वांटिटी में रहता है तो ड्राइंग प्रोसेस रहता है जो ब्रेक का, उस दौरान इसमें वार्क वार्प यानी कि टेढ़ा हो सकता है, श्रिंक यानी कि सिकुड़ सकता है, क्रैकिंग आ सकता है। और जब हम इसको भट्टी में डाल के जलाएंगे तो उसका टेम्परेचर भी ये कम कर सकता है, जब फ्लेक्स काम करेगा, जिससे ब्रेक जो होगा हमारा बिकर बिकर आएगा, मतलब कमजोर आएगा। और जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है, इसका इस पूरा स्ट्रेंथ ये अचीव नहीं कर पाता, जिसके कारण ड्यूरेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है इसके। तो यही हमारा एलमिना था। एलमिना के बाद हम लेके आते हैं सलीम का SAL यानी कि लाइम लेके आते हैं। आप इसको नोट डाउन कीजिए, हम लाइम लेके आएंगे। देखिए सबका फिगर हम आखिरी में एक साथ आपको दिखा देंगे। यानी तो रुकिए, देखिए आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा किसका, तो एलमिना का फिगर चल रहा होगा। सिलिका तो आप सब सैंड का तो आप सब देखे होंगे, किसका एलमिना का फिगर आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा। आप फिगर देखिए, नोट डाउन कीजिए, हम तब तक लेके आते हैं। चलिए दोस्तों आप देख लेते हैं हमारा जो तीसरा कंपोजिशन था लाइम, सलीम का तीसरा कंपोजिशन लाइम यानी ब्रेक का तीसरा कंपोजिशन लाइम जो था उसके बारे में देख लेते हैं। अभी तक हमने किसके बारे में, तो सिलिका और एलुमिना के बारे में देख लेते हैं। उन दोनों का क्वांटिटी अगर जो अच्छा से प्रेजेंट रहता तो ब्रेक मतलब कि उसका स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं गिर पाता हो पाता। और लाइम का काम क्या है वो हम देखते हैं, और लाइम का जो एक्सेस क्वांटिटी में रहेगा तो क्या होगा, और डिफिशियंट क्वांटिटी में रहेगा तो क्या होगा, वो देख लेते हैं। देखिए ये सर एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछे जा सकते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव उठने के चांसेस रहेंगे, 20 मार्क्स का होगा लेकिन उठने के चांस रहेंगे। और ये सब आपका कम्पिटिटिव मतलब कि आगे जाके जब कम्पिटेटिव एग्जाम दीजिएगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अच्छा है इसमें। ठीक, तो आपको इसको अच्छे से पढ़िएगा ये सब चीज़ों को। लाइम गुड ब्रिक अर्थ कंटेंट 5 to 10% ऑफ फाइन पाउडर लाइम। देखिए किस रूप में मिलाया जाता है, तो फाइन पाउडर के रूप में मिलाया जाता है लाइम को। ठीक, इट प्रिवेंट श्रिंकेज, श्रिंकेज यानी कि वही सिकड़ने को, ये भी डूइंग द ड्राइंग, ड्राइंग जब सूर्य की उपस्थिति में ब्रिक को सुखाया जाता है तब श्रिंकेज को रोकता है ये भी क्या, तो इट इम्पार्ट स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस ऑफ द ब्रिक। देखिए ये ब्रिक में क्या क्या चीज़, तो स्ट्रेंथ और साउंडनेस। स्ट्रेंथ आप तब समझ रहे हैं कि वो कितना लोड झेल पाएगा, साउंडनेस मतलब क्या होता है, साउंडनेस मतलब क्या होता है, ये सब आपके में आ रहा होगा। साउंडनेस देखिए किसी भी मटेरियल का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो वो कंटेन करके रखता है, यानी कि अपने वॉल्यूम को कंटेन करके रखता है, तब उसको साउंड बोलते हैं। ठीक, अगर जो वो अपने वॉल्यूम को कंटेन करके नहीं रखे, कभी सिकुड़ जाए, कभी मतलब कि सिकुड़ जाए और कभी फैल जाए बहुत ज़्यादा, तो वो अनसाउंड होगा। जैसे लोहा अपने वॉल्यूम को कंटेन करके नहीं रखता, ठंडा के दिन में वो सिकुड़ जाता है, गर्मी के दिन में वो फैल जाता है, तो अनसाउंड मटेरियल है। ठीक, तो साउंडनेस क्या है, तो अपने प्रॉपर्टी को कंटेन करके रखना, यानी कि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक, याद रखिएगा कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू साउंड। इट अलाउ करता है किसको, तो द सिलिका, सिल्का को अलाउ करता है मेल्ट एट द फर्नेस टेम्परेचर एट 1650 डिग्री सेल्सियस। ये सिल्का को अलाउ करता है मेल्ट यानी कि पिघलने के लिए अलाउ करता है, कितने डिग्री टेम्परेचर पर, 1650 डिग्री टेम्परेचर पर फर्नेस में अलाउ करता है मेल्ट होने के लिए। एंड बाइंड्स द पार्टिकल ऑफ ब्रिक, ताकि जो ब्रिक का पार्टिकल एक दूसरे से चिपक सके, टूगेदर बिकम रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल ब्रिक्स, जिसके कारण हमको जो ब्रिक मिलता है वो स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल मिल सकता है उसके रिजल्ट के कारण। कौन अलाउ करता है, तो लाइम अलाउ करता है किसको, तो सिलिका को। किस कितने टेम्परेचर, तो 1650 डिग्री टेम्परेचर पे मेल्ट होने के अलाउ करता है, और ब्रिक के जो पार्टिकल होते हैं उनको आपस में चिपकने देता है, ये बाइंड होने देता है। ठीक, एट 1110 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1100 सेल्सियस पे लाइम एक्ट, लाइम जो होता है वो एक्ट करता है कैटेलाइट, कैटेलाइट्स मतलब कि एक रिएक्टिव मतलब उत्प्रेरक, बोल जानते ही होंगे आप, उत्प्रेरक यानी कि रिएक्टिव तत्व के रूप में, जो कि एलिवेट करता है फर्नेस के टेम्परेचर को, टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करता है। कहाँ तक, तो 1650 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के काम करता है। विच सिलिका इज फ्यूज्ड, जहाँ पे सिलिका फ्यूज होता है, दिस स्लाइटली फ्यूज सिलिका वर्क एज ए स्ट्रॉन्ग सीमेंटिंग मटेरियल, मतलब कि जब सिलिका हल्का सा पिघलता है तो वो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सीमेंटिंग मटेरियल के रूप में, सीमेंटिंग का हमने क्या बताया था, तो जोड़ने वाला मटेरियल के रूप में कार्य करता है, कार्य करता है। अगर इफ लाइम इज एन एक्सेसिव क्वांटिटी, अगर जो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में रहेगा लाइम, तब इट काज टू ब्रिक मेल्ट, ब्रिक मेल्ट होने की संभावना रहेगी, यानी कि वो अपने शेप और साइज से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक्सेसिव क्वांटिटी में रहेगा
तो इसका फर्नेस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा जाएगा, जिसके कारण सिलिका बहुत ज्यादा मेल्ट हो जाएगा। बहुत ज्यादा मेल्ट होने के कारण जो होगा वो पार्टिकल एक दूसरे में इतना अच्छे तरीके से चिपक जाएंगे कि ब्रिक का जो साइप और से शेप और साइज हमने जो दिया था वो ही खराब हो जाएगा। एज मोर देन रिक्वायर्ड अमाउंट, जितना अमाउंट हमको चाहिए तो उससे ज्यादा ही मेल्ट हो जाएगा ऑफ सिलिका। सिलिका का जितना अमाउंट हमको फ्यूज करवाना था उससे ज्यादा मेल्ट हो जाएगा। देन ब्रिक लूज देयर शेप एंड साइज, और तब ब्रिक अपना शेप और साइज को लूज करता है, बिकम अनसाउंड। अनसाउंड वही अपने वॉल्यूम को कंटेन करके कंटेन करके नहीं रख सकते हैं, डिसफिगर। यानी कि कोई भी ईटा रहता है, आप किसी भी ईटा को ऐसे टेढ़ा देखे होंगे तो समझ आए कि उसमें लाइन का क्वांटिटी ज़्यादा था, जिसके कारण सिलिका ज़्यादा फ्यूज हो गया, और सिलिका ज़्यादा फ्यूज हुआ जिसके कारण इसका प्रॉपर्टी हुआ चेंज हो गया। इफ लाइम इज प्रेजेंट इन डिफिशियंट, यानी कि कम क्वांटिटी में रहता है, देन स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक इज रिड्यूस, तब ब्रिक का स्ट्रेंथ जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि देखिए अगर जो कम क्वांटिटी में रहेगा तो वो 1150 से 1650 डिग्री सेल्सियस तक ये लेके जाएगा ही नहीं, ठीक। तो वहाँ पे सिलिका होगा जो फ्यूज तो होगा लेकिन आधा फ्यूज होगा, बहुत कम मात्रा में, इतना ज़्यादा कम होगा कि एक दूसरे ब्रेक का जो पार्टिकल होगा वो एक दूसरे में मिल नहीं पाएंगे। तो ब्रेक हमारा जो बिकम आएगा वो मतलब वो ब्रिटल हो सकता है, या भंगुर आ जाएगा, या उसका जो बीक आ जाएगा, ठीक। मतलब ब्रेक का जो स्ट्रेंथ होगा वो कम होके आएगा, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए उसका क्वांटिटी मतलब कम रहता है लाइम का, तो ब्रेक का जो स्ट्रेंथ होता है वो कम हो जाता है। यही हमारा लाइम था। लाइम का देखिए क्या है, तो लाइम हमारे 5 से 8% पाया जाता है, 5 से मतलब 10% पाया जाता है। ये किसको, तो सिलिका को अलाउ करता है फ्यूज होने के लिए, मतलब कि मेल्ट होने के लिए अलाउ करता है, ताकि वो जो ब्रेक के पार्टिकल है आपस में एक दूसरे से अच्छी तरह फ्यूज हो सके। अगर जो एक्सेसिव अमाउंट रहेगा तो ये बहुत ज़्यादा मतलब एक्सेसिव अमाउंट रहेगा लाइम का, तो जो फर्नेस का टेम्परेचर था 1650 डिग्री उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे सिलिका बहुत ज़्यादा फ्यूज हो जाएगा। बहुत ज़्यादा फ्यूज होगा तो उसका शेप और साइज ब्रेक का खराब हो जाएगा, और जो कम रहेगा तो स्ट्रेंथ कम आएगा ब्रेक में, इसलिए वो ज़्यादा ना होना ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। कितना रहना चाहिए, तो जितना हम 5 से 10 के बीच परसेंट के बीच में ही रहना चाहिए। चलिए अब अगला देखते हैं, मतलब अगला टॉपिक लेके आते हैं। आप फिगर देखिए स्क्रीन पर, आप फिगर देखिए, और अगला लेके आते हैं चौथा जो इसका है। चलिए दोस्तों, अपना कंपोनेंट नंबर डी आयरन ऑक्साइड देख लेते हैं। आयरन ऑक्साइड किसके फॉर्म में, तो Fe2O3 के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। आयरन ऑक्साइड जनरली हमको रेडिश कलर प्रोवाइड करता है, जो ये एक्सिस हो जाए तो ब्लैक और ब्लू कलर में बदल जाता है बर्निंग के बाद ईट। तो वही सब चीज़ हम इसमें जानना है कि डिफिशियंट रहेगा तब क्या होगा, एक्सिस रहेगा तब क्या होगा, ये किसको अलाउ करता है, क्या चीज़ करता है, ये सब क्या फंक्शन है इसका, और क्या प्रोवाइड करता है ये ब्रिक को, ये सब चीज़ हम इसमें देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। ए गुड ब्रिक अर्थ शुड कंटेन, देखिए कितना कंटेंट करना चाहिए, 5 से 7% ऑफ आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड कितना, तो 5 से 7% गुड ब्रिक अर्थ कंटेंट करता है, यानी कि अपने पास रखता है। इट इम्पार्ट रेड कलर, ये मतलब रेड कलर डालता है कि इसमें, तो ब्रिक में ड्यूरिंग बर्निंग, बर्निंग के दौरान ये रेड कलर उसमें प्रोवाइड करता है। इट एक्ट ए फ्लक्स, फ्लक्स वही मतलब तेज करता है या धीमा करता है रिएक्शन को, लाइक लाइम, लाइम की तरह ये फ्लक्स का काम करता है। थस हेल्पिंग सिलिका टू फ्यूज एट ए लो टेम्परेचर, मतलब कि कम टेम्परेचर पर भी सिलिका भी लो टेम्परेचर पर भी इसको रिएक्ट करने के लिए अलाउ करता है। किसको, सिलिका को, कौन, तो आयरन ऑक्साइड। इफ इम्प्रूव, ये इम्प्रूव करता है किसको, तो ड्यूरेबिलिटी एंड परमाबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और परमाबिलिटी दोनों को इम्प्रूव करता है किसमें, तो ब्रेक में। देखिए ड्यूरेबिलिटी तब सब जानते हैं कि उसके मतलब रहने की क्षमता को, ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है। परमाबिलिटी क्या, तो परमाबिलिटी एक ऐसा मतलब प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल का, जिससे थ्रू जिसके थ्रू मतलब पानी आर पार हो जाए, जिसमें देखिए ब्रेक में हम पानी डाल सकते हैं, सोख लेता है कि नहीं, तो वही उसके परमेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। इट गिव्स स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। एंड हार्डनेस टू द ब्रेक, हार्डनेस यानी कि डैट मीन्स ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम अगर जो नाखून से ऐसे उखेड़ते मतलब रगड़ते हैं नाखून, तो उसका नुकसान उस पर नहीं आना चाहिए, वही हार्डनेस उसमें देता है, कौन, तो आयरन ऑक्साइड। इफ प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी, अगर देखिए एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट रहा, देन द कलर ऑफ ब्रेक बिकम डार्क ब्लू एंड ब्लैकिश, डार्क ब्लू और ब्लैकिश कलर आ जाएगा किसका, तो आफ्टर द बर्निंग, बर्निंग यानी जलने के बाद उसके अंदर डार्क ब्लू हो जाएगा या तो ब्लैकिश कलर हो जाएगा। आपने कई कई जगह ईटा देखा होगा ऐसे डार्क ब्लू और ब्लैकिश कलर का ईटा आपने देखा होगा कई जगह, मतलब भट्टे पे ऐसे फेंका हुआ रहता है, तो वह सब खराब ब्रिक रहता है, तो वही मतलब ओवर बर्न ब्रिक हो जाता है, वो ज़्यादा जल जाता है, उसमें आयरन ऑक्साइड ज़्यादा था, इसलिए। इफ प्रेजेंट इन डिफिशियंट क्वांटिटी, अगर ये कम क्वांटिटी में रहा, देन द कलर ऑफ ब्रिक बिकम येलोइश, और कम क्वांटिटी में रहा तब ये येलो कलर में बदल जाएगा। एंड ड्यूरेबिलिटी इज ऑल्सो रिड्यूस, और इसका ड्यूरेबिलिटी भी किसका, ब्रेक का, खत्म हो जाएगा। तो यही था हमारा चौथा मतलब चौथा जो कंपाउंड है किसका, आयरन ऑक्साइड जो ब्रेक का कंपोजिशन है चौथा, उसमें क्या क्या था, तो वो प्रेजेंट कितना में रहता है, तो 5 से 8% प्रेजेंट रहना चाहिए, क्या 5 से 7% आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट रहना चाहिए, ठीक। देखिए क्या काम करता है, तो लो हीट पे ही मतलब लो टेम्परेचर पे ही सिलिका को फ्यूज होने के लिए अलाउ करता है, ये लाइन की तरफ फ्लक्स का काम करता है, ठीक। तो ये हार्डनेस भी देता है, स्ट्रेंथ भी देता है हमारे ब्रिक को, ये परमेबिलिटी और उसका ड्यूरेबिलिटी दोनों को इंक्रीज करता है।
सॉरी दोनों को इंक्रीज करता है, और फिर ये प्रेजेंट रहता है एक्सिस क्वांटिटी में, और जो प्रेजेंट रहती है ब्रिक के कलर को ब्लैक डार्क ब्लू और ब्लैकिश कलर में बदल देता है बर्निंग के बाद, और ये कम क्वांटिटी में रहा तो येलो कलर में बदल जाएगा और ड्यूरेबिलिटी जो होगा इसका रिड्यूस कर जाएगा, और ये रेड कलर इंपार्ट करता है ब्रिक में। आप इसको नोट डाउन कीजिए, आयरन ऑक्साइड का फिगर आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा। तब तक हम इसका पांचवा भाग लेके आते हैं, जो आखिरी बचा हुआ है सलीम का, जो ट्रिक है सलीम का उसका आखिरी पांचवा भाग बचा हुआ है कंपोनेंट कंपोजिशन, उसको पढ़ा के ये लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे। अगले लेक्चर में आपको स्टार्ट करेंगे कि मतलब हार्मफुल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, और हार्मफुल प्रॉपर्टीज ब्रिक में कौन कौन से होते हैं, मतलब हार्मफुल प्रॉपर्टीज जो भी होता है मतलब उसको नुकसान कौन कौन सी चीज़ पहुँचा सकती है वो, और फिर क्राइटेरियाज यानी कि प्रॉपर्टीज देख लेंगे कि गुड ब्रिक में मतलब अच्छे ब्रिक में क्या क्या क्राइटेरियाज होना चाहिए वो देख लेंगे हम अगले लेक्चर में। उसके बाद फिर उसके अगले लेक्चर में शायद खत्म हो जाए, तो मतलब उसके अगले लेक्चर में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक, नहीं ब्रिक को किस प्रकार बनाया जाता है, ब्रिक को बनाने की प्रक्रिया है ना वो कम से कम नहीं होने तो 4 से 5 लेक्चर में भागेगा। सो बउआ तैयार होकर बैठो, कर्म कमर कस के बैठो कि आराम से आए वाला है ब्रिक का बहुत लंबा लंबा लेक्चर। थैंक यू कि सॉरी आप इसको नोट डाउन कीजिए, और फिगर देखिए। चलिए दोस्तों अब हम अपने पांचवें कंपोजिशन की तरफ बढ़ चुके हैं, फाइनली खत्म हुआ। ओके अब आप सब सोच रहे होंगे बड़ी देर से पका रहा है ये आदमी, लेकिन आप लोग रियलिटी बता रहे हैं, आपके सामने जो वीडियो बन के आता है 20-25 मिनट का 30 मिनट का, उसके पीछे कम से कम 3 घंटे 4 घंटे का मेहनत होता है। ठीक, तो प्लीज़ सीरियसली लीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमें सब्सक्राइब करवाइए, और जब अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कीजिए। चलिए हम पाँचवा देखते हैं। जरा सा भी आपको इन्फॉर्मेशन इसे मिल रहा हो ना, तो मतलब आपको पढ़ने में हेल्प हो रहा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैग्नीशिया, मैग्नीशिया क्या है, तो ये MgO के रूप में रहता है, और गुड गुड ब्रिक अर्थ कंटेंट रहेगा, यानी कि अगर जो अच्छा कंटेंट कर रहा है ब्रिक अर्थ, एक मिनट रुकिए तो दूसरा बॉल जला ही नहीं था, सॉरी, अगर गुड ब्रिक कंटेंट रहेगा अबाउट, तो उसमें कितना रहेगा, तो 1 से 5% तक मैग्नीशिया प्रेजेंट रहेगा। इफ ये इम्पार्ट क्या करता है, तब डालता क्या, तो येलो कलर ब्रिक में ये डालता है। ठीक, एंड ऑल्सो इम्पार्ट साउंडनेस भी देता है एंड टफनेस भी देता है। देखिए साउंडनेस तो आप लोग जान चुके हैं कि वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहता है उसको साउंडनेस कहते हैं, टफनेस क्या होता है, टफनेस देखिए किसी भी मटेरियल का वैसा प्रॉपर्टी जिस जब जो इम्पैक्ट लोड को झेल सके, यानी कि एकाएक लोड ऐसे गिरता है ना कोई भी चीज़, तो उसके लोड को मतलब इम्पैक्ट जो होगा, मतलब ऐसा देखिए एकाएक गिरेगा तो इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा ना उस एरिया पे, तो उस इम्पैक्ट को झेल सके वही वही सॉरी वही उसका टफनेस कहलाता है। ठीक, किसी भी मटेरियल का, तो वही ब्रिक टफनेस बढ़ा देता है कौन, तो मैग्नीशिया, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग द श्रिंकेज, यानी कि वही सिकुड़ने की जो प्रक्रिया होता है ना उसको मतलब कम करने के लिए, रिड्यूसिंग द श्रिंकेज कम करने का जो होता है ना, कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है यानी कि जिम्मेवार होता है। इफ इट इज इन एक्सेस क्वांटिटी देन ब्रिक बिकम डकाई, अगर जो ज़्यादा मात्रा में रहेगा ना, तो ये देखिए ऐसे मतलब कि डकाई कहने का मतलब देखिए सेंस डकाई का मतलब होता है सड़ना या गलना, लेकिन यहाँ सड़ेगा गलेगा नहीं, मतलब ऐसे हल्का हल्का तिरछा होने लगेगा, तो वही डकाई हो जाएगा ये। इफ इट इज इन डिफिशियंट क्वांटिटी यानी कम क्वांटिटी में रहेगा, तब ब्रेक का जो टफनेस रहेगा वो कम हो जाएगा, यानी कि अनटफ हो जाएगा, जो इम्पैक्ट होगा ना इम्पैक्ट लोड का, और जो एक एक लोड पड़ता है इस पर, तो ये टूट जाएगा या दरार आ जाएगा, क्रैक आने की संभावना रहेगा। तो यही हमारा मैग्नीशिया यहीं पर खत्म होता है, यानी कि जो कंपोजिशन ऑफ ब्रिक था वो यहाँ पर समाप्त होता है। होप सो आप अच्छा से देख रहे होंगे ये वीडियो को, वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो चुका था ये सॉरी लंबा हो चुका है, तो आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिला है या हमारे वीडियो से पिछले जितने भी वीडियो से मिले, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से शेयर कीजिए, और उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि देखिए आपको आराम से एक मतलब लेवल में पढ़ाया जा रहा है कि हाँ बिल्डिंग मटेरियल में कौन कौन सी चीज़ आता है, कंस्ट्रक्शन किस किस चीज़ों से होता है, वो सब चीज़ आपको पढ़ाया जा रहा है। आपका भी हेल्पफुल होगा, आपके दोस्तों का भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि जो कोर्स नहीं लिए हैं या किसी भी तरीके से ऑनलाइन परचेस नहीं किए, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो आराम से फ्री में पढ़ सकें। जो हमारे मैकेनिक्स और संप्रेशन का अपने जूनियर्स को शेयर कीजिए कि हम वो भी जाके पढ़ सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं ऐसे हमारे चैनल को कीवर्ड टीच वर्ल्ड इन बिहार, आप इसको उतारिए, फिगर आपका देखिए स्क्रीन पे आपको इसका दिख रहा होगा अभी, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपना जो भी होगा वो लेके आ जाएंगे, और हाँ इतमान रखिएगा सिलेबस खत्म हो जाएगा। थैंक यू कीवर्ड टीच वर्ल्ड इन बिहार।